नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि ई ग्राम स्वराज में जो वित्तीय वर्ष 23-24 है उसमें आपको पेमेंट करने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। कभी 30% का एरर आ रहा है, कभी 10% का एरर आ रहा है। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे कि किस प्रकार से पेमेंट सिस्टम चेंज हुआ है और क्या कुछ करना होगा जिससे कि हम अपनी राशि का संपूर्ण आहरण कर सकें। तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो कोई भी सवाल और क्वेरी के लिए। तो चलिए हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि क्या कुछ पेमेंट सिस्टम में चेंजेस आए हैं। अगर आप पेमेंट करने जा रहे हैं 22-23 में तो आपको वित्तीय वर्ष चेंज करना होगा स्विच यूनिट में जा करके, तो आपको सिंगल जियो टैग में भी आपका पूरा पेमेंट हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने क्या कहा, अगर आप पुराने वित्तीय वर्षों में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एक ही जियो टैग लेना पड़ेगा और आपका संपूर्ण पेमेंट आप कर पाओगे, पूरे के पेमेंट वाउचर बना पाओगे। लेकिन अगर आप वित्तीय वर्ष 23-24 में पेमेंट करने जा रहे हैं, पेमेंट वाउचर बनाने जा रहे हैं, तो जो जियो टैग की संख्या है वो 3 रहेगी। सबसे पहले आपको पहला जियो टैग लेना होगा, देन दूसरा एंड तीसरा। तो ये स्टेज वाइज ये पेमेंट निकलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में मैं जाऊँगा और कोई भी काम मैं अपना एक ओपन कर लूँगा जो कि मुझे अपने जियो टैग लेने हैं। दोस्तों जैसे हमने फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्टिंग इधर पे खोल लिया है और जो भी काम की आप फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करते हैं आप इधर से ही वर्क स्टेज सेलेक्ट करते होंगे। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गई हैं, जैसे कि वर्क स्टेज में 3 स्टेज पहले भी आती थी और अभी भी आ रही हैं, लेकिन आपको जैसे ही आप ऑनसेट ऑफ वर्क पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेमेंट वाउचर है वो केवल और केवल 30% के ही बन पाएंगे। जैसे मान के चलिए 1,00,000 का आपका काम है तो आपको उसमें से केवल और केवल 30,000 रुपये पहले निकलेंगे और दूसरी स्टेज का आप जैसे ही जियो टैग ले लेंगे तो 30% अमाउंट और आप निकाल सकते हैं। अन्यथा अगर आपको ना पेमेंट होने की स्थिति में कुछ ऐसा एरर आएगा जो कि फॉर स्टेज 1 अप टू 30% एक्सपेंडिचर कैन बी डन, तो कुछ इस प्रकार के एरर आपको शो होंगे अगर आप जियो टैग टाइम पे नहीं लेंगे और स्टेज बाय स्टेज नहीं लेंगे। तो दोस्तों मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको 30% जो निकालना है उसका ऑनसेट का लेना होगा, देन ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क का लेना होगा, देन कंप्लीशन ऑफ वर्क का लेना होगा। तो 30 इसमें निकलेगा, 30 इसमें निकलेगा और 30 इसमें निकलेगा, तो वो तो 30+30+30=90% हो गया है। तो 90% आप इसमें निकाल सकते हो और 90% कंप्लीट होने के बाद कंप्लीशन ऑफ वर्क का जैसे ही आप फोटो ले लोगे देन आपको एसेट कंप्लीटेड पर टिक करना होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, एसेट कंप्लीट पर ही टिक करिए और कहीं भी टिक मत करिएगा और इधर पे नो ही रहने दीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, तभी आपका 100% पेमेंट निकल पाएगा ई ग्राम स्वराज से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑनसेट की जो फोटो की डेट है वो इधर पे आप डिफरेंट रखेंगे और ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन वाली ये भी चेंज रखेंगे और कंप्लीशन ऑफ वर्क वाली भी ये भी आप चेंज रखेंगे। तो तीनों जियो टैग आपको अलग अलग दिन लेने हैं जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो और आप इजीली पेमेंट कर पाओ। तो आपको ध्यान रखना है कि 90% आप तीनों जियो टैग करने के बाद निकाल सकते हैं और 10% रह जाएगा आपका, देन आप एसेट कंप्लीटेड पर टिक कर दोगे और सेव पर क्लिक कर दोगे तो आपका वो भी इजीली विड्रॉल हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। और दोस्तों मैं इसका रीज़न भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम जो किया गया है उसका मेन रीज़न यही है कि पिछले पुराने वित्तीय वर्षों में आप देख रहे होंगे कि पूरी एक्टिविटीज़ ऑनगोइंग है, अभी तक किसी ने भी अपनी एक्टिविटी क्लोज नहीं की है। बहुत रेयर ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ क्लोज करी होंगी। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि तीनों जियो टैग लेने होंगे और उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी को क्लोज़ करिए, देन आप पूरा पेमेंट निकालिए। अभी भी दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि केवल और केवल एसेट कंप्लीटेड पर ही टिक करिएगा। अगर आप इस पे यस कर दोगे तो आपका पेमेंट नहीं निकलेगा और आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, आपके 10% राशि जो है वो आपकी कभी नहीं निकलेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें नो रहने दीजिए और एसेट कंप्लीटेड पर टिक कर दीजिए और लास्ट का जो जियो टैग है आपको वो ले लेना है, 30% निकल जाएगा, देन इस पर टिक करने के बाद 10% की बिल वाउचर आप और लगा पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि सभी लोगों के पास ये जानकारी जा सके और सभी को पेमेंट सिस्टम की
नॉलेज हो सके। हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम की लिंक हमने आपको बायो में दे दी है, डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जा कर के आप उस पर क्लिक करिए और हमें फॉलो करिए, जिससे कि हम आपकी सहायता कर सकें। आप उस पर पर्सनली हमसे चैट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है, अगर आपको कोई भी होटल रिलेटेड सवाल जवाब करना है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। उसमें जो भी आदेश आते हैं पंचायती राज रिलेटेड वो भी उसमें शेयर किए जाते हैं, तो जाकर के अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।